दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। हमारे भारत देश की राजधानी और दिल है दिल्ली, जो अपने भव्य इतिहास और आज की समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर अपने गर्भ में कई ऐतिहासिक स्मारकों और रहस्यों को समाये हुए है। इसके यह राज और रहस्यमय इतिहास आज भी अखंड और अटल खड़े हैं। इन्हीं रहस्यमय इतिहासों में से एक है अग्रसेन की बावली, जो यहाँ के निवासियों के रोजाना की जिंदगी के आवाजाही के बीच ही है, फिर भी एकदम छुपी हुई है। यह दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर के उन स्मारकों में शुमार है जिसका रहस्य आज भी कायम है। यह अग्रसेन की बावली एक गहरी सीढ़ी के आकार में बना हुआ कुआं है, जिसे हमारे देश के पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित रखा किया गया है। यह बावली इतनी रहस्यमयी है उतना ही रहस्यमयी है इसका इतिहास, जो यह बताता है कि इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था और सैकड़ों साल के बाद अग्रवाल समाज ने इस बावली की मरम्मत करवाई। इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि एक समय में यहाँ लोग तैराकी करने जाया तो करते थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आते थे। इस बेहद गहरी बावली में 105 सीढ़ियां हैं। इसके सम्मान में भारत सरकार ने साल 2012 में डाक टिकट जारी किया है। इस बावली की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह इतनी खतरनाक और डरावनी है कि इसे दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर की डरावनी जगहों में दर्जा प्राप्त है। अक्सर लोग जगहों के बारे में झूठी अफवाह फैला दिया करते हैं, जिससे वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ जाए और वे लोग पैसे कमा सकें। परंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर जाने की किसी को टिकट लेनी पड़ती है और ना ही यहाँ कोई दुकान या सामान बेचा जाता है, जिससे यह बात साबित होती है कि यह अफवाह नहीं बल्कि हकीकत में रहस्यमयी है। चलिए जानते हैं कि इस बावली का ऐसा क्या रहस्य है जो इसे डरावना बनाता है। दोस्तों, कहते हैं यहाँ इस बावली के अंदर दूसरी दुनिया के लोगों का वास है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह दूसरी दुनिया के वह लोग हैं जो कभी इसी दुनिया में हमारी जगह ही थे, पर इस बावली ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। कहते हैं कि किसी श्राप के कारण यहाँ महाभारत काल के बाद जाना मना कर दिया गया था और उस श्राप के कारण इस कुएं का पानी एकदम काले रंग का हो गया था और जो भी यहाँ जाता था वह खुद ब खुद इसमें कूद कर अपनी जान दे दिया करता था। लेकिन सैकड़ों साल के बाद जब देश आधुनिकता की ओर बढ़ता चला गया और दिल्ली में पानी का प्रकोप हुआ, तब उस समय सिर्फ यही कुआं ऐसा था जहां पानी हमेशा भरा हुआ रहता था। लोगों के मना करने के बाद भी कुछ लोग यहां पर पानी भरने आया करते थे, लेकिन कहते हैं कि यहां आते ही श्राप अपना काम शुरू कर देता था और वे लोग इसमें कूद कर अपनी जान दे दिया करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जैसे ही लोग इस बावली की सीढ़ियां उतरते थे वह किसी तरह के सम्मोहन में चले जाते थे और खुद अपनी जान दे दिया करते थे। कहते हैं कि इस काले पानी में डूबकर मर जाने के बाद भी उनकी लाश कभी ऊपर तैरकर नहीं आती थी, मानो यह बावली उन्हें पूरा निगल जाती हो। आज से करीबन 100 साल पहले तक इसमें काला पानी और उसका श्राप जीवित था और साथ ही जीवित था मौतों का सिलसिला, और एक दिन अचानक रातों रात यह बावली पूरी तरीके से सूख गई। आज के समय में आप इसकी गहराइयों में उतरकर तल तक भिड़ जा सकते हैं। हमारे अनुभव के दौरान जैसे जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो एक अजीब डरावनी सी गहरी चुप्पी फैलने लगती है। ऐसा लगता है मानो आप किसी और ही दुनिया में जा रहे हो। कबूतरों की आवाजें, चमगादड़ों की चमकती आंखों और फड़फड़ाहट की गूंजती आवाजें एक अजीब सी सिहरन पैदा करती हैं। कई लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ वह दूसरी दुनिया का श्राप जीवित है, एक परछाई के तौर पर, जिसे यहाँ पर आने वाले लोगों ने कई बार देखा भी है, जो आज भी यहाँ पर आने वाले लोगों की जान लेने के लिए तड़प रहा है
और उसे सिर्फ इंतजार है तो इस कुएं में वापस काला पानी के भरने का। चाहे आप इसे मानो या ना मानो, पर यहाँ सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, और जहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी हो वह जगह कोई साधारण जगह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताएं। वीडियो पर 4000 लाइक्स दें और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।